alpha is between minus 2 pi to 2 pi and cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 is equal to root 2 times of cos 36 minus sin 18 then the value of alpha is this so value आती है यहां से हमारे पास में cos of alpha by 2 plus sin of alpha by 2 is equal to root 2 times of अब cos 36 क्या होता है हमें पता है cos 36 होता है root 2 प्लस वन बाई फोर तो सॉरी रूट फाइव प्लस वन बाई फोर ये वैल्यू होती है किसकी कॉस थर्टी सिक्स की एंड साइन एटीन कितना ये होता है रूट फाइव माइनस वन बाई फोर ओके तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए सी कॉस थर्टी सिक्स और साइन एटीन के वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए मैं एक बार लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं भी पता है तो कॉस थर्टी सिक्स डिग्री होता है हमारा इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन बाई फोर एंड जो हमारा साइन एटीन होता है

आप क्या करता हूं मैं अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सी जब भी हमारे पास में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म आए ना तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए उसे उस इक्वेशन को रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए तो यहाँ पे ए की वैल्यू होने और बी की वैल्यू रूट टू से डिवाइड कर दिया और इधर भी रूट टू से डिवाइड कर दिया अब मेरे पास में इक्वेशन क्या होगी देखूंगा तो जैसे कॉस ऑफ अल्फा बाय टू इन वन बाई रूट टू और फिर आएगा प्लस में साइन ऑफ अल्फा ये वैल्यू किस इक्वल आ गई टू तो अगेन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या लिखा हुआ है ये मेरे पास में लिखा हुआ हैल्फा बाई टू सी कॉस हैल्फा बाई टू कॉस फाइव बाई फोर साइन अल्फा बाय टू साइन पाई बाई फोर तो लिखा हुआ अल्फा बाय टू माइनस पाई बाई फोर ओके और ये वैल्यू हम आ गई इक्वल टू वन बाय ठीक है अब वन बाई टू वैल्यू कब होती है ये जनरल होती है हमारे पास में कॉस ऑफ पाई बाई थ्री पे अब इसके जनरल सॉल्यूशन देखते हैं है ना तो अल्फा पाई की वैल्यू होनी चाहिए और अल्फा की रेंज से कहा अगर हम देखेंगे तो अल्फा की रेंज है हमारे पास माइनस टू पाई से टू पाई में ठीक है नाउ अगेन अगर मैं देखूंगा अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर अल्फा बाई टू माइनस पाई बाई फोर अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या यहाँ पे पाई बाई थ्री के इक्वल नाउ लेट्स सी अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो जनरल मेरे पास सॉल्यूशन क्या जाएगा इधर लेके करूंगा तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर तो दो सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास में अल्फा इज अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वॉट टू एन पाई और अल्फा बाई थ्री प्लस अल्फा बाई फोर कितना इट इज इक्वल टू प्लस मार देगा सेवन पाई बाई और दूसरा कहेगा अल्फा बाय टू इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस में क्या देगा यहाँ पे यहाँ माइनस पाई बाई थ्री और प्लस पाई फोर। तो एलसीएम लेंगे तो कह प्लस, प्लस थी 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 पाई उस केस में। है ना और अब टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा अल्फा इज इक्वल टू फोर एन पाई क्या होगा प्लस सेवन पाई बाई सिक्स तो सेवन पाई बाई सिक्स और से कह देगा अल्फा इज इक्वल टू फोर एन पाई फिर आएगा माइनस में कितना पाई तो N 0 पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गई सेवन पाई बाई सिक्स फिर यहां पर क्या बोलते हैं अगर इस वाले केस में देखूंगा एन इज इक्वल टू जीरो पे तो अल्फा की वैल्यू आती है माइनस पाई बाई सिक्स तो सेवन पाई बाई सॉल्यूशन है ये तो हमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो अगर मैं यहाँ से जैसे ही पाई बाई सिक्स करती है क्या जगह को हम थ्री बाई बाई टे बाई ट्री पाई बाईल और ये वैल्यू कितनी माइनस रूट थ्री बाई टू ओ सॉरी नॉट माइनस प्लस रूट थ्री बाई टू तो ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं है अब माइनस फाइव पाई बाई सिक्स भी पुट करके देख सकते हैं